आलू वड़ी जो है वो हर घर में बनाई जाती है और उसी के साथ उसे सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू वड़ी की रसेदार सब्जी, जो आप एक बार खाओगे तो आप उसे बार बार खाना चाहोगे। तो हेलो फूडीज, मैं हूँ अनीता और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार ऐसी रेसिपी जो बनने वाली है आलू वड़ी से। तो आज हम बनाएंगे आलू वड़ी की रसेदार सब्जी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बना लेना है, जिसके लिए मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 हम इसमें लौंग ऐड कर देते हैं और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 5 से 6 काली मिर्च भी डाल दी है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून धनिया। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून वाइट तिल और 1/2 टीस्पून जीरा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट लग जाएंगे इसे अच्छे से भूनने के लिए। तो हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी पैन में हम 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देते हैं और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेते हैं। तो इसे भी अच्छा कलर आ गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। ये मसाला बनाने के लिए आप सिर्फ सूखा नारियल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप 4 से 5 टेबलस्पून सूखा नारियल जो है कद्दूकस किया हुआ ले लें। मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट और सूखा नारियल जो है दोनों का इस्तेमाल किया है। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। तो हमारा जो नारियल है तैयार है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम ऐड कर देते हैं 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल भी डाल दिया है यहाँ पे, और इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसे चलाते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमारा जो प्याज है वो तैयार है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है मिक्सी जार में डाल दी है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसकी एक अच्छी पेस्ट बना लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। हमें इस तरह की स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। आलू वड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमें आलू वड़ी का जो रोल होता है उसे काट लेना है। मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में इसे काट लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आलू वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम ये सारे पीसेस एक एक करके इसमें डाल देते हैं। तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इन सारे पीसेस को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे एक साइड से पकने के लिए। तो हमारी आलू वड़ी जो है वो एक साइड से पक गई है। अब हम इसे एक एक करके पलट देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसे, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इस आलू वड़ी की रेसिपी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर लें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ से भी पलट कर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इसे। तो अब इन सभी पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी आलू वड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम सब्जी बनाने के लिए ले लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 9 से 10 कड़ी पत्ता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे अच्छे से तड़का आ गया है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने प्याज को जो है बहुत ही बारीक काट दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेते हैं।
प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेल में और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। गैस को जो है वो मीडियम फ्लेम में रखें और धीरे धीरे जो है वो प्याज को अच्छे से फ्राई होने दें। तो हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस जल्दी होती है और जो टमाटर है वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून काला मसाला। आप इसके जगह पे तीखी लाल मिर्ची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ली है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है 1/4 टीस्पून हल्दी। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो इन सारे मसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से तेल में भून लें। तो ये सारे मसाले प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें प्याज और नारियल का जो हमने मसाला बनाया था ये सारा इसमें डाल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भून गया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने पानी को गर्म करके इसमें ऐड कर दिया है। नॉर्मल पानी का इस्तेमाल ना करें, इससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है। अगर आप ये जो ग्रेवी है वो गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो पानी का जो इस्तेमाल है वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो ग्रेवी को है कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इस पर ढक्कन रख के इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाते हैं। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो ग्रेवी है उसे अच्छे से बॉईल आ चुका है, वो अच्छे से पक गई है। यहाँ पे जो करी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस स्टेज में हम आलू वड़ी नहीं ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। गैस को जो है वो बंद कर दें और फिर इसमें आप आलू वड़ी ऐड कर सकते हैं या फिर आप जब सर्व कर रहे हो तब एक एक करके आलू वड़ी इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा गर्म करी में आलू वड़ी ऐड ना करें, इससे जो आलू वड़ी है वो करी में घुल जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसीलिए करी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद इसमें आप आलू वड़ी ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारी आलू वड़ी की जो रस्सेदार सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस सब्ज़ी को हम बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी लग रही है ना बहुत ही यमी, तो आप इसे राइस के साथ चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। आप ये सब्ज़ी जब एक बार खाओगे तो इसे आप बार बार खाना चाहोगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।